चौरी चौरा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता चौरी चौरा तहसीलदार रत्नेश तिवारी ने किया, जहां फरियादियों की फरियाद मौजूद अधिकारियों द्वारा सुना गया। तहसील दिवस में कुल 28 मामले आए, जिसमें से महज 2 मामले का ही निस्तारण हुआ, शेष संबंधित विभागों को समाधान हेतु भेज दिया गया। समाधान दिवस में पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित शुक्ला, थाना अध्यक्ष नीरज कुमार राय सहित तमाम तहसील के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर से आशुतोष कुमार पांडे के साथ में अनिल वर्मा। वैसे की वैसे रह गई हैं। सबसे पहली मांग एसीपी विसंगति 1994 के पहले के जो लेखपाल थे, जो 16 साल अपना अपना काम कर चुके हैं, उनका वेतन जो है वो 4200 ग्रेड पे, और उसके और 94 के बाद के जितने लेखपाल हैं उन लोगों का 2800 ग्रेड पे मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हमारा संविधान कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये यहाँ पे कैसे किसी को 4200 और किसी को 2800 ग्रेड पे क्यों दिया जा रहा है? दूसरी हमारी मांग है वेतन उच्चीकरण। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का गेट पे बहुत ही 2000 गेट पे हम लोग काम करते हैं, और सफाई कर्मी जो भी है वो भी 1800-1900 ग्रेड पे उन लोग का भी काम होता है, तो हम लोग का ग्रेड पे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग का कार्य। जी, आपका नाम? कहाँ आए हैं आप? अभी दिवस में आया था। हमारे पटीदार द्वारा जो है मकान कब्जा कर लिया गया था, उसकी शिकायत के लिए हम लोग की शिकायत के लिए आया था। मकान कब्जे की शिकायत पे सही समाधान मुझे यहाँ से मिल नहीं रहा। उन्होंने सिविल कोर्ट का आश्वासन दिया कि आप सिविल कोर्ट जाके मुकदमा पंजीकृत करिए। हाल ही हमने उनको बताया है कि ये हमारा मकान और ये प्लाट उनकी है, जो ग्राम पंचायत के माध्यम से सुलह समझौता हुआ है। या तो मुझे मकान ही मिल जाए, या तो जो सुलह समझौता के आधार से खाली प्लाट मिला था वही मिल जाए। मैं यही आवेदन किया हूँ इनसे। इन्होंने कहा कि थाना खोराबार में शनिवार को उनको बुलाया जाएगी, जैसा होगा वैसा आपसे।